डेढ़ चम्मच जितना घी हमने डाला है, और आधा स्पून हमने मेथी दाना डाला है, और आधा हमने अजवाइन। आधा हम जीरा भी डाल देंगे। हरी मिर्च और लहसुन किसी भी कद्दू चाप कटा हुआ छोटे छोटे पीसे हैं, नमक कम ही रखना है क्योंकि कद्दू कम हो जाता है, बाद में अगर लगा तो फिर डाल सकते हैं। हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर, अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे एक थाली से ढक देंगे और मध्यम आंच में पकाएंगे। पूरी बनाने के लिए हमने आटा गूंथ के रख लिया है, जिसमें हमने अजवाइन डाल लिया है। आटे को पहले आप बॉयल कर लीजिए, घी या तेल जिससे भी। उसके बाद इसमें हमने अजवाइन डाली है आटे में, इसे गूंथ लिया है। अब हम इससे पूरी बना लेंगे। थोड़ा सा चीनी जो पूरी के साथ बिल्कुल खट्टा मीठा का स्वाद देंगे, बिल्कुल बहुत कम। इसे मिक्स कर लीजिए। सब्जी हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम बनाएंगे पूड़ी। पूड़ी के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथेंगे। हमने तेल रख लिया है सरसों का, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो। अब हम पूड़ी बनाएंगे।
छोटी छोटी पूरी हमने बेल ली है। अब देखते हैं हमारा तेल हुआ कि नहीं। तेल हो गया है, हम पूरी डाल देते हैं इसमें। यह हमारा नाश्ता तैयार है। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और साथ में लस्सी। तो ये आप भी बनाइए और इसका स्वाद उठाइए। आप देख सकते हैं यह है कद्दू की सब्जी, पूड़ियाँ अजवाइन वाली और ये लस्सी। अगर आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर बना के खाइएगा। चीनी की मात्रा आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये है पूड़ी के साथ कद्दू की मीठी नमकीन सब्जी। अगर आप मीठा नहीं चाहते हैं तो आप मीठा नहीं डालें, पर इसे हल्का चटपटा सा बनाएं, मिर्च थोड़ी तेज़ रखें। थैंक यू।